हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में गति के बारे में पढ़ा था, गतियों के प्रकार पढ़ा था, सदिश राशियां पढ़ी थी, अदिश राशियां पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है ये आता है दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्टेंस। दूरी क्या होता है, ठीक है? तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल लंबाई को या पथ की लंबाई को वस्तु की क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, तय की गई लंबाई कहते हैं। जैसे माना कोई व्यक्ति है जिसने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और बी बिंदु तक पहुंच गया, तो उनके जो बीच की जो लंबाई है ये यही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। मान लिया कितना चला, 2 मीटर चला है, तो जो उसकी लंबाई होगी ये क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है दूरी का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है, और जो दूरी है ये दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो दूरी मैंने आपको बता दिया, जो भी हम तय करते हैं लंबाई उसको ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो विमा होती है ये कितनी होती है? एल विमा होती है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। इसकी बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन थोड़ा ध्यान से समझना, विस्थापन क्या होता है, ठीक है। मान लिया कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसने ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलने के बाद वो कौन से पॉइंट पे गया? बी पॉइंट पे गया। बी से चलने के बाद वो कौन से पॉइंट पे गया? सी पे। और सी से चलने के बाद वो किस पॉइंट पे जाता है? और डी पे। और डी से फिर किस पर जाता है? ए पर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने बताया ये ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे और डी से ए पे आया, ठीक है। तो ये ए से जब स्टार्ट हो रहा था, लास्ट प्रारंभ पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा है? ए है। और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो भी कौन सा है? ए है। तो जहाँ से चला वो वहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना कहलाता है? जीरो कहलाता है। तो विस्थापन कितना हुआ? जीरो। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ से चलता है और उसी पॉइंट पर आ जाए तो विस्थापन कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और बताओ, माना कोई व्यक्ति है जो ए से चलना प्रारंभ करता है, ए से चलकर किस पे जाता है? बी पर जाता है, ठीक है। ए से किस पे जाता है? बी पर जाता है, और फिर बी से वापस ए की ओर चलता है और यहाँ तक चला जाता है डी तक। माना ए से बी तक की दूरी तो कितनी है? 2 मीटर है, और डी से एक तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। अगर मैं कहूँ कि उसने कितनी दूरी तय करी, बात करता हूँ मैं पहले किसकी? दूरी की। विस्थापन मैं आपको बाद में बताता हूँ, इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ पहले दूरी। ए से बी पे गया तो ए से बी पर जाने पर उसने कितना मीटर चला? 2 मीटर। फिर बी से ए पर आया तो बी से ए पर आने पर भी कितना चलेगा? 2 मीटर। और ए से फिर किस पे गया? डी पे। टोटल कितना चला? 1 मीटर। तो टोटल कितनी दूरी ट्रैवल करी उसने? ये कितनी हो गई? 5 मीटर की दूरी उसने क्या कर ली है? ट्रैवल कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? मैंने क्या बताया था? ए से चलना स्टार्ट किया, विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के न्यूनतम दूरी को, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है और जो इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ए था, ए से बी पे गया और बी से ए पे, जैसे ही ए से बी पे गया और बी से ए पे आया तो विस्थापन कितना हो गया हमारा? जीरो, क्योंकि जहाँ से चला था और फिर वहीं पे ही आ गया है। दोबारा फिर समझो, कोई व्यक्ति था जिसने ए से चलना स्टार्ट किया, ए से गया किस पे? बी पे, और बी से फिर किस पे आ गया? ए पे।
तो जो विस्थापन था मतलब जहाँ व्यक्ति था उसी स्थिति में आ गया, तो विस्थापन तो यहाँ पर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब वो ए से कितना कहाँ गया, डी पे, और ए से डी कितना मीटर चला, 1 मीटर। तो जो इस टोटल जो ट्रेवल किया उसने, उसमें जो विस्थापन आया वो हमारा कितना आया है, 1 मीटर आया है, और जो दूरी आई है वो टोटल कितनी आई है, 5 मीटर आई है। क्लियर है? तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? विस्थापन का मात्रक जो होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, बट ये कैसी राशि है, विस्थापन जो है हमारी सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, हमारी सदिश राशि है। ठीक है, अब बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर की। अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन में अंतर की, कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, तो दूरी, दूरी मैंने आपको बताई थी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी क्या होता है भाई, किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है ना, तय की गई कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपको डेफिनेशन लिखनी है दूसरे अंतर में। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तो जो दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, जबकि जो विस्थापन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है, जीरो, कुछ भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड की नंबर फोर बात करूँ, नंबर फोर में क्या कहता है, नंबर फोर में दूरी में कहता है कि यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मतलब जो जो हम पथ चल रहे हैं उसकी आकृति पर निर्भर करता है, परंतु यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन पिंड की पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? तो ये 4-5 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमें कैसे में लिखने हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो हम बात करते हैं, हमारा जो इसके बाद टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है चाल, स्पीड। ठीक है, चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात जो चाल होता है, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। ठीक है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर, तो चाल बराबर किसके होता है, दूरी बटे समय के होता है, और ये इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो चाल है ये एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो चाल क्या होता है, मान लिया हम कोई दूरी तय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ समय में लिया, कुछ ना कुछ हमने समय लिया, तो जो चाल बराबर होता है ये क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। माना हमने 50 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय की, 50 मीटर की दूरी कितने में तय करी, 5 मिनट में, या 25 सेकंड में तय करी, कितने सेकंड में तय करी, 25 सेकंड में। तो जो हमारी चाल होगी वो कितनी होगी, 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो हम इस चाल से उस दूरी को क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेग। क्या आता है, वेग। वेग इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको वेलोसिटी। नया जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है विस्थापन बटे समयांतराल। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, तो वेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के समय के साथ विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग, ये विस्थापन, विस्थापन हमारी कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। तो जो वेग होता है ये वेग भी हमारी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं,
वेग कहते हैं, ठीक है। वेग को हम वी से डिनोट करते हैं, जबकि हम चाल को एस से डिनोट करते थे। स्पीड, चाल को हम किससे डिनोट करते थे? एस से। अब वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और समय का मात्रक कितना होता है? सेकंड। तो जो वेग का मात्रक होता है ये कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब बात करते हैं हम चाल तथा वेग में अंतर की। अगर हम बात करें कि इसमें चाल तथा वेग में अंतर की, तो चाल क्या होती है? चाल क्या है? एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या होती है? हमारी सदिश राशि होती है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं नंबर दो की, हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को या विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है। जो चाल होती है हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, सदैव हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। जबकि वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कितना भी हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा क्या था? चाल तथा वेग में अंतर थे। इन सारे टॉपिक को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में क्या करना है? लिख लेना है, रिटर्न कर लेना है, ठीक है।